कि अगर बात की जाए तो इफ मैट इंदौर का स्कोर आई एम इंदौर इटसेल्फ और आई एम रांची एक्सेप्ट करते हैं बट व्हाट अबाउट दी बेबी आईएम सच एज जम्मू और बोधगया क्योंकि इन दोनों ही आईएमस के आईपीएम प्रोग्राम पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसलिए आज हम आईपीएम जम्मू के बारे में बात करेंगे एक सीरीज के के तौर पर आईपीएम बोध गया के बारे में भी बात करेंगे 24 तारीख को सो हाई एवरीवान वेलकम बैक टू अर सुपरग्राज यूट चैनल आई एम शिखा विद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल तो सबसे पहले जब हम आईपीएम प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं From Jummo, the most important thing, जो आपको आपको पता होनी चाहिए, is कि आपको का देना है, मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस में जिप मैट के स्कोर को 95% परसेंट की वेटेज दी गई है और जेंडर डाइवर्सिटी को पांच परसेंट की वेटेज दी गई है विच मीन जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो जिपमैट के लिए अप्लाई करेंगे उनको पांच मार्क्स एक्स्ट्रा अवॉर्ड किया जाएगा अब के एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं तो जिप मैट इज एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मीनिंग इट इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम टोटल तीन सेक्शन है जिपमैट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड लास्टली वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से टोटल थर्टी थ्री क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन के अगेन थर्टी थ्री क्वेश्चन है एंड वर्बल अबिलिटी के थर्टी फोर क्वेश्चन है जिपमैट में प्लस फोर एंड माइनस वन की मार्किंग स्कीम फॉलो होती है स फॉर एवरी करेक्ट आंसर फोर मार्क्स विल बी अवॉयडेड और हर गलत आंसर की गलत हर गलत आंसर के लिए वन मार्क का डिडक्शन होगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर बात करें तो टोटल हंड्रेड क्वेश्चन है एंड क्योंकि हर क्वेश्चन चार मार्क का है और थर्टी थ्री क्वेश्चन है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 132 मार्क्स बनते हैं सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए अगेन 132 मार्क्स बनते हैं एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 136 मार्क्स बनते हैं तो समरी में अगर बोलना है तो जिपमैट में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैरिंग अ वेटेज ऑफ टोटल ऑफ फोर हंड्रेड मार्क्स नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं तो जिपमैट के लिए बेसिकली दो टाइप की एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी है फर्स्ट इज द एज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड सेकेंड इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी पहले एज क्राइटेरिया पर बात करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2024 में जिपमैट का एग्जाम देने वाले हैं यू हैव टू इंश्योर

उनके क्लास ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन में अब मेन मुद्दा तो हमारा आईपीएम प्रोग्राम पर बात करने का है तो यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो कि आई एम जम्मू का आईपीएम करिकुलम इज अ वेरी रिच एंड फैसिनेटिंग वन सबसे पहले बीबीए प्रोग्राम होता है विच हैज ड्यूरेशन ऑफ थ्री इयर्स, वहां पर सेमेस्टर सिस्टम फॉलो किया जाता है मीनिंग कि हर साल जो आपका बीबीए प्रोग्राम का है

एट दिकुलर एक्टिविटी इज अरे जैसे ही आपका पहला साल खत्म होता है बी बी ए प्रोग्राम का एक बूट कैम्प ऑर्गेनाइज किया जाता है लद्दाख के यूनियन टेरिट्री में फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ फोर टू फाइव डेज एंड इट्स अल प्रोग्राम उस पर कभी आगे बात करेंगे सेकेंडली जैसे ही आप अपने सेकेंड ईयर में एनरोल करते हो तो दो तरह की इंटर्नशिप्स आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी तो इन योर थर्ड सेमेस्टर आपको एक सोशल इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है एंड फोर्थ सेमेस्टर में कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करनी कंप्लीट करनी होती है फ्रॉम एनी बिजनेस एंटरप्राइज एंड लास्टली जब आप थर्ड ईयर के एंड में आते हो तो यू गेट एन ऑप्शन ऑफ एनरोलिंग योरसेल्फ्स इन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम तो जितने भी इंटरनेशनल पार्टनर इंस्टिट्यूट्स है आईएम जम्मू के बेसिकली आप इंटरनेशनली पढ़ाई कर सकते हो इफ यू एनरोल योरसेल्फ इन दिस प्रोग्राम अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ द आईपीएम करिकुलम इज द एग्जिट पॉलिसी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनके कुछ भी रीजन हो सकते हैं दे टू क्विट द प्रोग्राम बट काफी केसेस में आपको डिग्री अवेलेबिलिटी का ऑप्शन नहीं रहता बट नॉट ह्योर आई एम जम्मू ने इस तरीके से अपने करिकुलम को बनाया है कि एनी स्टूडेंट इफ ही और शी वॉन्ट्स टू दे कैन एग्जिट फ्रॉम द आई पी एम प्रोग्राम विथ अ डिग्री और अ सर्टिफिकेट इन देर हैंड्स तो पहले ही साल में अगर पहले ही साल के बाद आप, आ, आप अगर क्विट करना चाहते हो तो यू कैन एग्जिट द प्रोग्राम अ सर्टिफिकेट इन बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट दो सालों के बाद अगर आप एग्जिट पॉलिसी का यूज करना चाहते हो तो यू कैन एग्जिट विथ एन एडवांस सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट डिग्री इन योर हैंड एंड लास्टली अगर आपने पूरे ही तीन साल कंप्लीट कर लिए हैं तो एक बीबीए की डिग्री के साथ आप आईपीएम प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हो बट जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्विट नहीं करना चाहते एमबीए में फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं दे आल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ एनरोलिंग देमसेल्फ फॉर द एमबीए प्रोग्राम बस एक छोटी सी कंडीशन है जो यहाँ पर आपको फुलफिल करनी है अगर आप एमबीए में आगे पढ़ाई करना चाहते हो आईएम जम्मू से तो तीनों ही साल के लिए मतलब आपको तीनों ही साल में मिनिमम 6.0 पॉइंट मेंटेन करना है ओनली देन विल यू बी एलिजिबल टू एनरोल योर सेल्स फॉर द एम बी ए प्रोग्राम फ्रॉम आई एम जम्मू नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीएम के फीस स्ट्रक्चर पर तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके फर्स्ट थ्री इयर्स हैं प्रोग्राम वहां पर दो सेमेस्टर फॉलो होते हैं सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू सो दिसपोट ऑफ द फीस स्ट्रक्चर फॉर दर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज यू कैन सी फर्स्ट ईयर में योर टोटल फी कम्स डाउन टू फाइव लैख थर्टी थ्री थाउजेंड सेकेंड ईयर में अगेन योर टोटल फीस कम्स डाउन टू फाइव लैख थर्टी थ्री थाउजेंड Last year, which is your BBA program, BBA ka last year, your total fees comes down to 539,000 rupees. Or MBA ke cases mein, if you choose to continue again, uh, if you choose to continue your fourth and fifth year for the IPM program, prevailing MBA ki fees is your total fees. Lastly, we'll talk about the placement statistics so again, a small snapshot from the ipm brochure i've added over here. as you can see, the fees has been continued, uh, the placement statistics have been continuously increasing, so starting from 2018 up till the year 2023, for the year of 2023, your average package landed at 16.5 lakhs per annum, and your median package landed at 15.25 lakhs per annum. जहां पर स्टूडेंट्स वर रिक्रूटेड इन अ मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स सच एज एट टेक विथ सेवन परसेंट रिक्रूटमेंट फाइनेंस विथ नाइन परसेंट रिक्रूटमेंट ऑपरेशन विद एटीन परसेंट रिक्रूटमेंट ट्वेंटी परसेंट फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग 22% फॉर आईटी एंड अदर्स एज 24%. परसेंट यहाँ से यू कैन बेसिकली गेन, गेन अ मेजर आइडिया कि किस तरह के सेक्टर्स में यू विल बी लैंडेड अप इन योर जॉब रोल्स